नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश में बढ़ रहे नशे के प्रकोप को लेकर के सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश में नशा एकदम से बढ़ा है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में बैठे हुए लोग ही नशे को गांव-गांव और घर घर तक पहुँचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा में मैंने मांग उठाई थी और मुख्यमंत्री से कार्रवाई करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार न मिलने के कारण युवा नशे की ओर जा रहे हैं। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उनकी विधानसभा में चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश में करीबन 20 बैठकें हो चुकी है और उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का एक पैनल तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर पार्टी का उम्मीदवार घोषित करेगी। वहीं गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने सबसे पहले गठबंधन के लिए कोई पहल नहीं की, बल्कि अन्य पार्टियों ने ही उनके साथ गठबंधन के लिए पहल की थी। उन्होंने कहा कि हमेशा गठबंधन के लिए किया है और धर्म भी निभाया है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में इनेलो की बैठकों के संपन्न होने के बाद प्रदेश में ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि दूसरी पार्टियों के लिए गठबंधन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पर जेजेपी विधायकों पर फैसले को लटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस बारे में उनकी पार्टी द्वारा नए सिरे से शिकायत दर्ज कराएगी। प्रदेश सरकार द्वारा पंचायती भूमि पर धान की खेती नहीं करने के आदेश दिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन सरकारें अभी भी किसानों को गुलाम बनाना चाहती है। सरकार के इस फैसले को सरकार को वापस लेना चाहिए। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया, कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। चुनाव की तारीख जो है वो नजदीक आ रही है और सरकार अपनी तरफ से लगातार लोगों को लुभाने के लिए रोज मंत्रिमंडल की बैठक करती है और मंत्रिमंडल की बैठक में इस तरह के निर्णय करके कि अलग अलग सब जमात के लोगों को कैसे लुभाया जाए, उनके लिए लगातार केवल घोषणाएं कर रही है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के लिए प्रदेश के लोगों के साथ इसी तरह के बड़े वायदे किए थे कि कैसे लोगों को बरगलाया जाए, कैसे लोगों को बताया जाए, इसके लिए बहुत सारी घोषणाएं उस वक्त की हुई थी। सरकार को इस किस्म की घोषणाएं करने से पहले प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। पिछले 5 वर्ष में लगातार हमारे प्रदेश के अंदर क्राइम बढ़ा है और क्राइम भी कुछ छोटे क्राइम भी बढ़े, क्राइम बड़े फिरौती के, क्राइम बड़े अपहरण के, क्राइम बड़े हैं बलात्कार के, और वो क्राइम बढ़ने का कारण एक ही है कि सरकार ने क्राइम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन दिया। अब एक नया और कारोबार सरकार ने अपने नीचे शुरू किया है। हरियाणा प्रदेश जो है, यहां पे जो नशा था वो बहुत कम था, बड़ा कंट्रोल था, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद पिछले 2 साल में नशा जो है पूरे प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा और एक ऐसा जाल बिछाया गया कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट इससे वंचित नहीं रहा। मैंने पिछले साल जब हमारा सेशन था, उस सेशन के अंदर मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो
नशा बढ़ रहा था उन दिनों में जिसकी शुरुआत हुई थी, स्मैक का, चिट्टे का जो प्रचलन शुरू हुआ था। मैंने मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखी थी कि हमारे सिरसा जिला के अंदर सरकार के संरक्षण के अंदर नशे का कारोबार चल रहा है, वो लोग नशा बेचने का काम कर रहे हैं, वो लोग हमारी नई पीढ़ी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं जो आपकी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको सरकार का संरक्षण और पुलिस जिनके सामने बेबस हो जाती है। अगर ऐसे लोगों के ऊपर हम कुछ नहीं लगा, अगर ऐसे लोगों को नहीं पकड़ा गया, अगर ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई के शिकंजे में नहीं लिया गया, तो फिर ये बहुत बड़ा मतलब एक जाल की तरह फैल जाएगा और बाद में फिर सरकार के लिए मुसीबत पड़ेगी। आपको समय रहते हुए इसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। मुझे मुख्यमंत्री कहता है कि आप मुझे बताओ, मैंने कहा ये काम मेरा बताना नहीं, मेरा जो बताना था वो मैंने आपको टूलकिट के विधानसभा में बता दिया। अब आपका काम है आप अपने अधिकारियों को हिदायत दो और ऐसे लोगों के खिलाफ शिकंजा कसने का काम। उस वक्त अगर इसके ऊपर सरकार की तरफ से लगाम लगाई जाती, कार्रवाई की जाती, तो आज सिरसा जिला की जो हालत है उसमें सुधार होता, ना कि आज सिरसा जिला जो है बड़ी हैरानी की बात है। कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई कस्बा ऐसा नहीं है, शहर का कोई वार्ड ऐसा नहीं है जिसके अंदर खुले रूप से चिट्टे का और स्मैक का कारोबार ना चल रहा। विधानसभा के चुनाव के लिए हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी। अब तक हमारी 22 हलकों की बैठक हो चुकी है और हमने हल्के वाइज कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई है कि कार्यकर्ता सर्वम जो है पार्टी की तरफ से किसको चुनाव लड़ाया जाए इसके लिए पैनल तैयार करें, उसमें 3 से लेकर के 5 नाम हमें दें ताकि जो पैनल उनकी तरफ से तैयार होकर के उस पर विचार हो और फिर उसी व्यक्ति को पार्टी की तरफ से टिकट दे के आगे चुनाव लड़ाया जाए। हम किसी को थोपना नहीं चाहेंगे, हमारी पार्टी ने हमेशा कार्यकर्ताओं से पहले पूछा और कार्यकर्ताओं ने जिस किसी का नाम आगे किया उस पर विचार किया और उन लोगों को लोकसभा और विधानसभा के टिकट दिए। अच्छा वाला स्कूल था जिसमें आम आदमी के बच्चे जाकर के एडमिशन लेते थे और कम पैसे में अच्छी पढ़ाई उसके साथ अच्छे स्पोर्ट्समैन बनते थे। इनकी दिल पर सोच यह है कि कहीं चौधरी देवीलाल के नाम की कोई यूनिवर्सिटी बने, कहीं कोई पार्क बना, के एम पी बनी, या कहीं मोतीलाल नेहरू का नाम, जवाहरलाल नेहरू का नाम से नाम से कोई इंस्टीट्यूट बने, उनके नाम कैसे खत्म किए जा सके, इसके लिए ये लोग जो है उन स्कूलों का, कॉलेजों का, यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड देकर नाम बदलना चाहते हैं। इनकी सोच कोई स्पोर्ट्स को बढ़ाने की थोड़ी है, उसमें कोई भी आदमी चाहे आप भी जाकर के कंप्लेनेंट बन सकते हैं आम मतदाता। अब दौलत दुनिया बीजेपी में चला गया और स्पीकर इस इशू को लटकाना चाहता है लगातार। स्पीकर की सरकार की सोच एक है इस मामले को लटकाया जाए जितना ज्यादा हो सके, लेकिन इसमें शिकायत करता हम अपनी पार्टी की तरफ से और लोगों को भी शामिल करेंगे। एक दो रोज के अंदर ही स्पीकर को हम इसकी कंप्लेन दे देंगे ताकि वो उसमें शिकायत करता बन सके, उसकी बात को भी सुना जा सके।
और स्पीकर को इसमें तो लंबा चौड़ा समय देने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीज क्लियर कट है स्पीकर के सामने। नैना चौटाला ने हाउस में ये बात कही थी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी टूट चुकी है, तो का भी हम भाजपा के साथ है, तो स्पीकर को किसी और चीज की जरूरत नहीं, कार्रवाई निकाल ले, देख ले, जो रिकॉर्डिंग हुई है वो सुन ले, उसी के ऊपर अपना फैसला ले। ये तो जानबूझ करके सरकार के साथ मिले हुए लोग हैं, सरकार ने ही हमारे सिंह को अलग किया था, इसीलिए स्पीकर अब तो फैसला नहीं ले, समय दे रहा है बारी बारी से। पर वो जो विधायक है उनको आदिक करके दिया है कि अभी भी हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सदस्य हैं, उनका नेता नहीं अभी तक है, हाउस में पूछू हम उनसे। सोशल मीडिया रामपाल महाराजी की मुलाकात अशोक अरोड़ा से आपके प्रेस के लोगों ने पूछा, उन्होंने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी, मेरे से इस पर जवाब मांगने की जरूरत की नहीं। जब उन्होंने सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया ये सब फालतू की बातें हैं, हमने पहले कभी किसी पार्टी से जाकर के गठबंधन की बात नहीं करी, हमने हालात ऐसे बनाए कि लोगों ने आकर के हमारे साथ हाथ मिलाया, लोगों ने आकर के हमारे साथ गठबंधन किया, बीजेपी ने हमेशा हमारे से पहले आकर के हाथ मिलाया गठबंधन के, और बहुजन समाज पार्टी को भी हमने जाकर के इन्वाइट नहीं किया, बहुजन समाज पार्टी ने भी सब आकर के हमारे साथ गठबंधन किया, लेकिन हमने उस गठबंधन में जो गठबंधन का धर्म होता है उसको निभाने का काम किया। अगले एक महीने में हमारी सारी मीटिंग जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि हमारे साथ गठबंधन करने के लिए कई लोग आएंगे।